नमस्कार, मैं रोशन राठौर, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। खबर है कुचामन से, जहां हेमराज चावला सातवीं बार पार्षद बनकर पहुंचे नगरपालिका। कुचामन सिटी नगरपालिका उपाध्यक्ष चुनाव में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हेमराज चावला ने कुल 45 में से 23 मत हासिल कर प्रतिद्वंदी मान सिंह को एक मत से हराते हुए जीत हासिल की है। गौरतलब है कि आज हुए उपाध्यक्ष चुनाव में सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन दाखिल करने का वक्त था। इस दौरान लगातार सातवीं बार जीत हासिल कर पार्षद बने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमराज चावला ने नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत कर वार्ड नंबर 6 से पार्षद बने मान सिंह ने भी उपाध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा। रिटर्निंग अधिकारी बाबूलाल जाट ने बताया कि 2 बजे तक नाम वापसी का समय था। इस दौरान किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है, इसलिए 2 बजे से मतदान शुरू किया गया। वार्ड नंबर 22 के कांग्रेस पार्षद सुमन अपने पिता के देहांत होने के बावजूद भी मतदान करने पहुंची और उपाध्यक्ष चुनाव में सबसे पहला वोट डाला। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद संबंधित निर्दलीय पार्षदों के साथ नगरपालिका पहुंचे और सबने वोट डाले। उसी समय कांग्रेस के पार्षद समर्पित निर्दलीय पार्षदों के साथ नगरपालिका पहुंचे और उन्होंने भी मतदान किया। सबसे अंत में निर्दलीय प्रत्याशी अंकित डालुका ने पहुंचकर वोट कास्ट किया। सभी 45 पार्षदों के मतदान करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी बाबूलाल जाट ने मतगणना कराई। मतगणना में हेमराज चावला ने 23 मत हासिल किए और मान सिंह को 22 वोट मिले। इस तरह नगरपालिका उपाध्यक्ष चुनाव में हेमराज चावला ने एक वोट से जीत हासिल की।